अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको पाकिस्तान के सबसे ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट चैनल कंपी टेस्ट ऑनलाइन में। सबसे पहले आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि आपको बातें ठीक से समझ आ सकें। अच्छा भाई, पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, थोड़ी देर पहले अपलोड की है, अगर नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि PPSC ने किन किन पेपर्स को कैंसिल किया है, क्या उनके पेपर्स दोबारा होंगे या नहीं होंगे। 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है, वो आप देख लें लाजमी। फ़िलहाल जो मैं आपके सामने ये चीज़ पेश कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप ज़रा देखें कि दूसरे नंबर पर जो लाइन है ना, ये हुआ क्यों है, ये कैंसिल होने की वजह क्या बनी है। चेयरमैन PPSC सज्जाद सलीम होतियाना की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था और उन्होंने जनाब ये रिकमेंडेशन दिया कि इन पेपर्स के रिजल्ट्स को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये सलीम होतियाना साहब, मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर की थी आपके लिए और मैंने कहा था कि ये देखने में बड़े भले इंसान लगते हैं और इनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे PPSC के सारे सेटअप में। अच्छा, जो असल ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी वो ये है कि एक दोस्त से मुझे पता चला है, तो फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए अपने लाहौर में एक दोस्त को कॉल की, एक एकेडमी से मैंने पता कराया और ये न्यूज़ कल आई भी है 42 न्यूज़ पर और अपना लाहौर रंग चैनल पर ये चली है खबर के PMS के पेपर्स भी लीक हुए हैं। ठीक है जी, और उसमें मुश्ताक टिवाना साहब जो AC जनरल थे वो मुलविस पाए गए हैं और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि PMS के पेपर जो 2020 में हुए हैं, मुश्ताक टिवाना साहब उनमें मुलविस पाए गए और लेकिन मसला ये हुआ कि वो 4 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। तो नेक्स्ट वीक कहा ये जा रहा है कि नेक्स्ट वीक एक न्यू नोटिफिकेशन आएगा PPSC की तरफ से और हो सकता है कि PMS के पेपर्स भी कैंसिल कर दिए जाएँ, PMS के पेपर्स के रिज़ल्ट कैंसिल कर दिए जाएँ। मे बी उसकी जो लिस्ट है उसको भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि PPSC का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें भी गड़बड़ की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा इंसाफ की बुनियाद पर होगा इंशाल्लाह, और ये सज्जाद सलीम होतियाना साहब इंशाल्लाह एक अच्छी बेहतरी की तरफ PPSC को लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हमें ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से पेपर्स दोबारा होंगे और क्या PMS का जो रिज़ल्ट है वो भी कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।